आप लोगों ने उल्लुओं के बारे में तो बहुत सी बातों को सुना होगा, जैसे कि उल्लू रात में ही दिखाई देते हैं और ये सिर्फ रात को ही देख सकते हैं और ये पेड़ों पर उल्टे लटकते हैं, जैसे वगैरह वगैरह बातें। आज हम आपको उल्लुओं के बारे में ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को भी बताने जा रहे हैं। जबकि उल्लुओं को कहीं पर शुभ माना जाता है तो कहीं अशुभ माना जाता है। ये बात तो आपको भी पता ही होगा कि उल्लुओं को धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन भी कहा जाता है और उल्लुओं को देखना बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि ये अक्सर रात में ही दिखाई देते हैं। हम आपको बता दें कि शास्त्रों के मुताबिक उल्लू को एक अशुभ जीव माना गया है और उल्लुओं को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर कोई उल्लू किसी घर पर बैठता है तो वो घर बहुत ही जल्दी उजड़ जाता है और उस घर के मालिक पर विपत्ति आने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में उल्लुओं का बोलना यानी उनकी आवाज को मृत्यु सूचक माना जाता है, जबकि वहीं चीन में उल्लू अगर दिखाई दे तो पड़ोसी के निधन का सूचक मानते हैं। अगर किसी घर के दरवाजे पर उल्लू 3 दिन तक लगातार रोता है तो उसके घर में चोरी या फिर डकैती होने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। मतलब उल्लू का आपके घर पर बैठना या फिर रोना अपशकुन होता है। इसलिए आपको जब कभी भी ऐसे संकेत मिले तो समझ जाना कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। इसलिए जब कभी आपको उल्लू दिखे या फिर रोए तो उसे तुरंत भगा दें ताकि आप विपत्तियों से बच सकें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।